बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। हमने तो बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा था, लेसन यूनिट टू वार एंड पीस के अंदर। उसमें उसके आप वोकेबलरी कर लेंगे। हमने इसके ट्रांसलेशन कर ली थी। अब वोकेबलरी की ये मैंने मैचिंग कॉलम थे ये मैंने कर दी हैं। जैसे फर्स्ट का ये डी वाला है, सेकंड का ई वाला है। इस तरह आपने सारे मैचिंग कॉलम कर लेने हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है। इसमें 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बाबर पर्पस इन मार्चिंग ऑन दिल्ली, कि बाबर का क्या मकसद था कि वो दिल्ली की तरफ गया। ये इसके आंसर्स हैं। ये पेज नंबर 46 है आपके बुक का, ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का। और ये इसका आंसर है, ही वांटेड टू डिफीट इब्राहिम वंस एंड फॉर ऑल। इस तरह ही 8 क्वेश्चंस हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के, और इसके 8 के आंसर दिए हैं। आप इसको नोट कर लें और राइट डाउन कर लें अपनी कॉपीज़ पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से काम कर लें, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, रीडिंग फॉर डिटेल पर। रीडिंग फॉर डिटेल के 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट, विच फेज इन द फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये 6 क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये इसके 6 आंसर्स हैं। आफ्टर हैविंग लाहौर सब्ड्यूड, ये 6 क्वेश्चन हैं और इसके आंसर्स हैं, ठीक है। ये 3 और 4 वाला, ये वर्ड्स मीनिंग है। ये वर्ड्स मीनिंग भी हमने जो लास्ट में पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा है लास्ट में वोकैबलरी के अंदर, वो वर्ड्स मीनिंग है। और चैप्टर के अंदर भी ये वर्ड्स मीनिंग थे इसलिए है, लेकिन आपने दोनों क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। इसके अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब थर्ड है रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन। रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन के 3 क्वेश्चंस हैं। क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप तक बाबर की, ठीक है। थिंक इब्राहिम लोदी वाज, ये 3 क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर भी आप, ये आंसर हैं इसके 3 क्वेश्चंस के। आप स्क्रीनशॉट ले लें। और आपने ये रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग फॉर डिटेल और रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन, तीनों अच्छी तरीके से याद करनी है क्वेश्चन आंसर, या आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।